नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये है टेट्रापैक। टेट्रापैक को जनरली हम लोग पी जाते हैं और पीने के बाद कहीं पर भी फेंक देते हैं। दोस्तों, हम लोग इसको नहीं फेंक सकते क्योंकि इसके अंदर एक प्लास्टिक का कंटेंट अवेलेबल होता है और आप सबको पता है कि प्लास्टिक नॉन डिस्पोजेबल है। तो आप सबके दिमाग में सवाल आएगा कि हम अब इन पैक्स का करें क्या। टेट्रा पैक के अंदर 80% पेपर होता है और 20% प्लास्टिक होता है। इसके वजह से हम लोग अगर इसको कहीं पर भी फेंक देते हैं तो फेंकने के बाद वो बहुत ही स्लो डिस्पोज होता है। उसके वजह से इट मे कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समझो अपने गटर में या नाली में फेंक देते हैं तो वहां जाने के बाद इनके साइज के वजह से वो उसमें अटक जाता है। उसके वजह से वाटर लॉगिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आप सबको मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है, जैसे कि सिटीज में आप देखोगे तो टेट्रा पैक्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। उसके वजह से फिलहाल सिटीज के हालत, सिटीज में आप जनरली देखोगे कि बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रहा है। मुझे ज्यादा दूर जाने के एग्जांपल नहीं, आप मुंबई का एग्जांपल ले लीजिए। मुंबई में फिलहाल इतना वाटर लॉगिंग हो रहा है क्योंकि उसका एक मेन रीजन प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक जाके गटर में फंस जाता है, उसके वजह से वाटर लॉगिंग होता है। और प्लास्टिक्स में एक कंट्रीब्यूशन टेट्रा पैक का भी है। जैसे कि मैंने बोला था, टेट्रा पैक में 20% प्लास्टिक कंटेंट होता है। प्लास्टिक कंटेंट होने की वजह से अगर हम लोग उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं तो बहुत ही स्लो डिस्पोज होता है। उसमें से मीथेन, CO2 जैसे बहुत ही जहरीले गैसेस बनने की क्षमता होती है। उन गैसेस की वजह से हमारे बॉडी पे अफेक्ट हो सकता है। इवन टेट्रा पैक है वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी, तो उसके वजह से उसमें पानी अगर बहुत टाइम तक रहता है तो उसमें से मच्छर पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। वेट, दिस थिंग आई वांट टू हाईलाइट, टेट्रा पैक इज रिसाइकलेबल। अगर टेट्रा पैक को हम लोग रिसाइकल करते हैं तो उसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें बन सकती है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज हाउ कॉमन मैन कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस। सो दोस्तों, जैसे कि ये है एक टेट्रा पैक। इस टेट्रा पैक के जितने भी ये फोल्ड्स रहते हैं, फोल्ड्स को आप ओपन कर दीजिए। फोल्ड्स को ओपन करने के बाद देखिए, फोल्ड्स ओपन हो गए। फोल्ड्स को ओपन करने के बाद ये इसको थोड़ा सा ये प्लेन हो जाएगा। ये प्लेन हो गया। अभी इसको मैंने प्लेन करने के बाद इसका जो स्ट्रॉ होता है उसके स्ट्रॉ को मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा। ओके, नाउ आई एम इंसर्टिंग दिस स्ट्रॉ इनसाइड ऑफ दिस टेट्रा पैक। नाउ अभी मुझे क्या करना है, ये अभी एक प्रॉपर फोल्ड होने की वजह से ये बहुत ही कम जगह लेगा। इसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो। और मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एड्रेसेस देखे रखे हुए हैं। आपके एरिया के किसी भी एड्रेस में जाके आप टेट्रा पैक्स को डिस्पोज कर सकते हो। लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्मॉल स्टेप टू सेव अवर मदर अर्थ एंड बिल्ड अवर इकोनॉमी। आई एम इन्फॉर्मिंग टू यू दिस ऑल बिकॉज दिस इज माई पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जय हिंद।